एनिमल मूवी ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। ये रणबीर कपूर के करियर की अब तक की सबसे बेहतरीन मूवी तो है ही, और इसके साथ ही 2023 में रिलीज हुई सारी मूवीज के भी रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए हैं और नए नए रिकॉर्ड्स अपने नाम करती जा रही है। इस फिल्म में रणबीर कपूर, बॉबी देओल और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में हैं। ऑडियंस का कहना है कि इस मूवी में दिखाया गया है कि एक बेटा अपने बाप के लिए किस हद तक जा सकता है, वो एनिमल तक बन सकता है। तो आइए दोस्तों, नीमच के एकमात्र टॉकीज सुंदरम सिनेमा में देखते हैं क्या रहा पब्लिक का रिएक्शन इस मूवी को देखने के बाद। वो खड़े बिच डांग खड़ के ओत हो गई लड़ाई भारी, अर्जुन वैली ने हो अर्जुन वैली ने हो पैर जोड़ के गनासी मारी, अर्जुन वैली ने हो पैर जोड़ के गनासी मारी। सबसे ज्यादा अच्छी तो ये थी कि इसमें साढ़े तीन घंटे की फिल्म थी, इतनी लंबी फिल्म तो यही थी। और पापा की स्टोरी थी, पापा की स्टोरी जो बहुत अच्छी, वो मेरे तरफ से अगर कोई स्टार देना होता तो 5 स्टार पूरा दूंगा, 5 out of 5 बिल्कुल 5 है। और वो जो बंदूक वाला सीन आया, वो एक्शन एक्शन इतना दासू है ना कि उसमें फर्स्ट सीन से सबसे पहले जैसे ऐसा लगा कि इंटरवल तक होगा ये, लेकिन ये इंटरवल से भी पहले तक चल रहा था। सबसे हिट फिल्म तो मेरी नजर में यही गई थी, बहुत सुपर सुपर हिट फिल्म है। अच्छी लगी मूवी हमको। क्या अच्छा लगा आपको? अच्छा ये लगा कि पेरेंट्स के प्रति उसका कितना प्यार था, पापा के प्रति, पापा के कारण वो अपने एक बॉन्डिंग काफी अच्छी दिखाई है, बॉन्डिंग अच्छी दिखाई है बाप और बेटे। ओके, अजय दत्त जैसे लग रहा था कि अजय दत्त जैसे रोल करता है, बहुत अच्छा लगा। ओके, तो क्या कहना चाहेंगे आप मूवी के बारे में? रणबीर कपूर का एक्टिंग बहुत अच्छा था, जितना लोगों ने सुना था ना कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, उतना नहीं था जितना मतलब फैला हुआ है पूरा। बहुत बहुत सेकेंड हाफ कैसा लगा आपको? सेकेंड हाफ तो ऑसम था, और मूवी के बाद ही स्टोरी का पता चलता है कि स्टोरी क्या है, इंटरवल के बाद के बल्कि स्टोरी। अच्छा, कोई एक मैसेज जो इससे आप देना चाहें? बस जैसे कि यही पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स उसके फादर के लिए, उसके लिए बहुत मतलब कैसे रिस्पेक्ट थी फादर के लिए कि मेरे मुझे सब कुछ हो जाए पर मेरे फादर को कुछ ना। ओके, तो क्या कहना चाहेंगे आप आज इस मूवी को देखने के बाद? बेहतरीन मूवी है, ये मूवी देखनी चाहिए, लेकिन मतलब अच्छे का देखो तो बहुत बेटर है। और एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि ये मूवी आपको बोर करेगी, इवन एंजॉयमेंट इतना है कि आपको मजा आ जाएगा। लिटरली आप सोचेंगे कि मूवी आप देख के आए और आपने अपना एक 3.5 घंटे का एंजॉयमेंट मिला, मतलब फुल पैसा वसूल है, जबरदस्त। कोई एक खास बात जो इस मूवी से आप कहना चाहेंगे, मतलब इस मूवी की खास लगी आपको? इस मूवी में सबसे खास बात यह है कि जो बेटे के प्रति अपने पापा का जो प्यार है, इस पे ये पूरी डिस्क्राइब करेगी मूवी। वो अपने पापा के लिए कुछ भी कर सकता है, एनिमल तक बन जाता है, एनिमल तक बन जाता है। बहुत बेहतरीन मूवी है। ओके, आप क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के बारे में? ऑसम है मूवी, ऑसम मूवी है, बच्चों के लिए नहीं है, थोड़ा वायलेंस ज्यादा है मूवी में, लेकिन ओवरऑल कहीं पे भी मतलब वायलेंस इसमें वायलेंस हटा करके इसको 8 सर्टिफिकेट इसमें हटा सकते थे, लेकिन वो वायलेंस जरूरी था नेम को जस्टिफाई करने के लिए, जरूरी था वो, कि वो वायलेंस जरूरी था। वही एक इसकी टीआरपी बोल रहे हैं, जो यूएसपी है एक इसमें भी काफी अच्छा, मजा आया, कहीं भी बोर नहीं किया इसने 5 मिनट के लिए भी नहीं, 3.5 घंटे का प्लॉट हो जाता है मालूम ही नहीं पड़ेगा। ओके, बुला के बेटे का बाप के लिए प्यार दिखाया गया है जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते। एक शाहिद कपूर की मूवी आई थी उससे इसको कितना रिलेट कर सकते हैं आप? उस टाइप की कौन सी एक वो आई थी, बेख्याली सॉन्ग था उसमें, वो नहीं वो एक अलग कबीर सिंह पे बेस्ड थी। हाँ, हाँ, कबीर सिंह, ये एक्चुअली फादर की बॉन्डिंग, फैमिली बॉन्डिंग, पापा के प्यार के लिए वो कुछ भी करा, उसके फादर ने कभी उसको ठीक से बात भी नहीं की, लेकिन उसमें फिर भी सब कुछ। तो कितनी रेटिंग देना चाहेंगे आप आउट ऑफ 5? 8 स्टार 7.5 स्टार आउट ऑफ 10। ठीक है, थैंक यू सो मच।